ये है फ्रैंकलिन आया खेले खेलेगा ये हर दिन आया है दोस्तों के साथ सुनो कहानी इससे तुम हर रोज नई बात ये है फ्रैंकलिन आया आपके घर ये है फ्रैंकलिन आया मेरे घर हे ये है फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन एंड द पपी। फ्रैंकलिन दो की टेबल जानता था और अपने जूते की लेस भी बांध सकता था। उसे गार्डन में मिला एक कैटरपिलर और नदी में मिली एक क्रेफिश। लेकिन एक दिन फ्रैंकलिन को मिल गया एक पपी। ये तो बहुत ऊंचा गया है बेर। वाह! पकड़ लिया। जरा अपनी हालत को तो देखो फ्रैंकलिन। तुम्हें खुद को देखना चाहिए था। ये तुम हो बेर। मैंने पकड़ लिया। देखो पकड़ लिया। तुम ठीक तो हो बेर? एकदम ठीक हूँ। हे, देखो एक पपी। थैंक्स पपी। क्या हो गया? शायद वो चाहता है कि तुम फिर से गेंद फेंको। ओके। वाह, कमाल है। हे फ्रैंकलिन, ये तो हमसे अच्छा कैच पकड़ता है। शायद हमें भी अपने मुंह से पकड़ना शुरू कर देना चाहिए। इसके बॉल के साथ खेलने के बाद तो बिल्कुल नहीं। हाँ, इसे खेलना बहुत पसंद है। हाँ, ना जाने ये पपी किसका है। मैं नहीं जानता, यहाँ तो कोई नहीं है। और इसके गले में पट्टा भी नहीं है। हे, तुमने ठीक कहा बेर, इसने पट्टा नहीं पहना है। शायद इसका कोई मालिक नहीं है। शायद ये चाहता है कि कोई इसकी देखभाल करे। मैं इसे घर ले जाता हूँ। हो सकता है उसका पट्टा गिर गया हो फ्रैंकलिन। शायद कोई उसकी तलाश कर रहा हो अभी। शायद, लेकिन मैं इसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। ये कितना छोटा है। मुझे पसंद ही करता है। सचमुच, मुझे पता था ऐसा ही होगा। फ्रैंकलिन, हम इसे नहीं रख सकते। इसका मालिक कोई और है। वो जरूर इसको ढूंढ रहे होंगे और इसे भी शायद उनकी याद आ रही होगी। लेकिन ये मुझे पसंद करता है। सही कह रहे हो फ्रैंकलिन, लेकिन कहीं और भी कोई है जिसे वो प्यार करता है, और तुम इसे उनसे दूर रखोगे, ये सही है? नहीं, शायद नहीं। तुम्हें अब घर जाना चाहिए पापी। हम और नहीं खेल सकते। तुम्हें अपने घर के लोगों को ढूंढना चाहिए। ये पपीज इतने प्यारे क्यों दिखते हैं? एक बार इसे फेंकिए डैड, और देखिए क्या करता है वो। ठीक है, जाओ ग्लव लेकर आओ। देखा आपने उसको? बढ़िया कैच। तुम एक चुन्नू मुन्नू से पपी हो ना, बहुत प्यारे। अच्छे बच्चे। मुझे नहीं लगता हमें इसे अकेले भेजना चाहिए। तो हम इसे रखने वाले हैं? तब तक रखेंगे जब तक इसके मालिक नहीं मिल जाते। समझ गए? हाँ बिल्कुल, और हम उनकी जमकर खोज करने वाले हैं। तुम समझ गए ना फ्रैंकलिन? हाँ समझ गया हूँ। आओ पपी। चलो पपी, हम लकड़ी से खेलते हैं। आओ। उम्मीद है पपी के मालिक को ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाँ, अगर उसने मेरी चप्पलें और न्यूज़पेपर लाना सीख लिया तो फिर उसे वापस भेजना मुश्किल होगा। हाँ, चलें लग जाएं अपने काम पर।
ओ नहीं, मेरा ग्लव कहाँ है? ये रही मेरी बॉल। हे, तुम क्या कर रहे हो? मुझे वो चाहिए। देखो पप्पी, मेरे पास खेलने का टाइम नहीं है, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। अब ये ग्लव कहाँ गया? फ्रैंकलिन, जल्दी करो, स्कूल बस आने ही वाली है। मुझे ग्लव नहीं मिल रहा है। ये यहाँ कोट वाले हुक पर है। अरे हाँ, और ये रहा तुम्हारा लंच। हाँ, बस मैं अपना सामान लाता हूँ। पपी, तुम कहाँ हो? तुम्हें गुड बाय कहना है। जल्दी करो फ्रैंकलिन। हाँ, मुझे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। सच में तुम्हें उसे रखने दिया? कह नहीं सकता, हम उसे तब तक रखेंगे जब तक उसके मालिक नहीं मिल जाते। तुम हंसे क्यों? हाँ, तुम इसके अंदर कैसे आ गए? चुप फ्रैंकलिन, मुझे नहीं लगता पप्पी को बस में चढ़ने की इजाजत है। जब तक हम स्कूल पहुँचते हैं मैं इसे बैग में ही रहने देता हूँ। उसके बाद क्या, वो क्लासरूम में नहीं आ सकता। फिक्र मत करो बेयर, वो बाहर मेरा इंतजार करेगा। हाँ, वैसे ही जैसे उसने घर पे इंतजार किया। वो भी क्या करे अगर वो हर वक्त मेरे साथ रहना चाहता है। मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा। तुम्हें बाहर खेलना होगा, समझे? लेकिन फिक्र मत करना, जल्दी ही छुट्टी हो जाएगी। हाँ, लो, जब तक मैं क्लास में हूँ तो मेरी बेसबॉल से खेलो। मैं इसे फेंक रहा हूँ लेकिन फिर मुझे जाना होगा, समझे? रिसेस में मिलते हैं पापी। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मिस्टर हाउल। पप्पी ठीक ठाक तो है ना फ्रैंकलिन? कोई परेशानी नहीं बेयर, वो प्लेग्राउंड में मजे से बेसबॉल से खेल रहा है। hey, देखो पप्पी। कितना क्यूट है। यहाँ कैसे पहुँचा? तो ये छोटा मेहमान कौन है? क्या कोई जानता है इस पप्पी को? मैं जानता हूँ, मैं इसे बाहर ले जाता हूँ मिस्टर आउस। यहाँ वापस आओ पप्पी। अरे नहीं, वाओ, मेरा ख्याल है तुम बहुत खेल चुके छुटकू। सॉरी मिस्टर राहुल। कोई बात नहीं फ्रैंकलिन। ऐसा बहुत कम होता है कि क्लास की शुरुआत इतनी बढ़िया हो। ओ स्कूल से उसे वापस लाने के बाद मॉम उसे लेकर पेट शॉप गई और पट्टा और जंजीर ले आई। पट्टा और जंजीर? वाह फ्रैंकलिन, इसका मतलब तुम अब उसको रखने वाले हो। हाँ शायद, लेकिन असल में मॉम उसे पूरे गांव में घुमाना चाहती थी उसके मालिक को ढूंढने के लिए, लेकिन अच्छा हुआ उन्हें कोई नहीं मिला जिसने इसे पहले देखा हो। मैंने तुम्हारे पोस्टर देखे थे गांव में। कैसे पोस्टर? वही, एक पप्पी मिला है वाला पोस्टर जिसके नीचे तुम्हारा नाम है। पोस्टर? ओ नहीं, जरूर मॉम ने बनाए होंगे। अब तो कोई शक नहीं कि इसका परिवार इसे ढूंढ लेगा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है? हेलो, क्या आप ही लोगों ने गुम हुए पप्पी के पोस्टर लगाए हैं? अरे नहीं बेर, वो आ गए, वो यहाँ पप्पी को लेने आए हैं। अब मैं क्या करूँ बेर? दे दो ने? नहीं अभी नहीं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, पीछे के रास्ते से। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा करना ठीक होगा। मुझे बहुत खुशी है कि आपने उसे ढूंढा। मैंने उसे अपनी माँ के पास छोड़ा था और वो वहाँ से भाग निकला। बहुत नटखट है। मुझे नहीं लगता ऐसा करना सही है फ्रैंकलिन। वो लोग हमारी आवाज सुन लेंगे। मुझे उसकी बहुत याद आती है। सॉरी फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन? पापी शायद फ्रैंकलिन के कमरे में है। फ्रैंकलिन, अब तुम क्या करोगे फ्रैंकलिन? मैं नहीं जानता बेयर, कुछ समझ नहीं आ रहा।
मुझे बहुत खुशी है कि इतनी अच्छी फैमिली ने उसे ढूंढा। मैं डर गई थी कि शायद मैं उसे कभी ना देख पाऊँ। हाँ। तुम कहो तो मैं उसे देकर आ जाऊँ फ्रैंकलिन। नहीं, मैं देता हूँ बेर। मेरा पापी। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आप जानते हैं हमें कई बार बाहर जाना पड़ता है और जब इसे नहीं ले जा सकते तो मेरी माँ के पास रहता है। वैसे उन्हें पेट्स की आदत नहीं है और अगली बार जब हम जाएंगे तो शायद फ्रैंकलिन इसका ध्यान रख सकता है। हाँ जरूर रख सकता हूँ ना मॉम। तुमसे अच्छा उसका ध्यान और कौन रख सकता है। ये तो बढ़िया है। तुम्हें दिखाओ मैंने इसे कौन कौन से खेल सिखाए। ठीक है। वो वाला दिखाओ जिसमें वो तुम्हारे बैग में स्कूल जाता है। वो वाला छोड़कर सब दिखाता हूँ। फ्रैंकलिन टेक्स द बस। फ्रैंकलिन दो की टेबल जानता था और अपने जूते की लेस भी बांध सकता था। वो मैदान में अपनी बारी आने पर ही खेलता था और दूसरों से ज्यादा केक खाता था। लेकिन एक दिन फ्रैंकलिन ने बिना पूछे कुछ ले लिया। रम, रम, बीप, 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 हट जाओ, मुझे जाने दो। पुल पर से निकलने का रास्ता नहीं है। तुमने ड्राइव करना कहाँ से सीखा है बेर? बीवर से। क्या तुम सारे दिन ऐसे ही बैठे रहने वाली हो? सुनो। तुम रुकी हुई स्कूल बस से आगे नहीं जा सकते हो। ओ, अच्छा। अब तुम्हें रुकना पड़ेगा और मुझे जाने देना होगा फ्रैंकलिन। सभी ध्यान दें, घर जाने का समय हो गया है, इसलिए प्लीज अपने पेंट्स और खिलौने ठीक से रख दीजिए। काश हम और खेल सकते। चलो हम तुम्हारे घर पर कार से खेलते हैं। मैं अपनी मॉम से पूछकर तुम्हारे घर आता हूँ। लेकिन मेरे पास स्कूल बस नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास और बहुत सी कारें हैं। हम बस के साथ कल खेल लेंगे। जैसा तुम कहो। ध्यान से। ऊप्स, गीले पेंट पर पैर मत रख देना। तुम क्या पेंट कर रही हो बीवर? तुम्हें कल पता चलेगा, मैं कुछ दिखाने वाली हूँ। कल में तो अभी बहुत सारा वक्त बाकी है। रुम, 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 रुम। आखिरी स्टॉप, सब उतर जाइए। मैं क्या करूँ, अंदर आ सकता हूँ? हाय बेर। वाओ, ये तो बिल्कुल स्कूल वाले खिलौने जैसी है। वो इसलिए क्योंकि ये खिलौना बस स्कूल की ही है, मैं खेलने के लिए लाया हूँ। मिस्टर आउल ने तुम्हें लाने दिया? वैसे मैंने मिस्टर आउल से पूछा नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ वो नाराज नहीं होंगे। कह नहीं सकता फ्रैंकलिन। लेकिन वो उससे कभी नहीं खेलते बेर। हाँ, न जाने क्यों, इसमें तो चमकती लाइट और कितना कुछ है। जानता हूँ, अगर वो उससे नहीं खेलते हैं तो मैंने यहाँ लाकर गलती नहीं की है। हो सकता है। मैं जानता हूँ, आओ चलो खेलें। रूम, 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 रूम। बीप, बीप। मेरा पीछा नहीं कर सकते। हे, तुम कितने लोगों को इस बस में बैठा सकते हो बताओ। मॉर्निंग फ्रैंकलिन। हाय बेर। तो तुमने बस वापस रख दी है ना? ओ नहीं, मैं तो भूल ही गया। तुम भूल गए है ना? मत लटकाओ फ्रैंकलिन, हो सकता है कोई ध्यान ही ना देके बस नहीं है। तुम्हें लगता है बेर? बिल्कुल, छुट्टी होने ही वाली है और हमारे सिवाय कोई उससे खेलता भी नहीं है। हाँ, कोई भी ध्यान नहीं देगा अगर मैं उसे ले जाऊँ, है ना? सही। और कल मैं उसे याद से ले आऊंगा। स्कूल बस कहाँ है? मैं आज दोपहर स्कूल बस सेफ्टी पर एक प्रेजेंटेशन दिखाने वाली हूँ, मुझे दिखाने के लिए स्कूल बस चाहिए। मुझे याद है मैंने कल देखी थी, आखिर कहाँ चली गई? मिस्टर आउल। हाँ फ्रैंकलिन।
मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर राउल। ओह, तुम्हारी गलती नहीं है फ्रैंकलिन, मैं भूल ही गया कि यहाँ पर टेबल है। मैं और बीवर स्कूल बस ढूंढ रहे हैं। जानता हूँ, और हो सकता है मैं कुछ मदद कर दूँ। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है फ्रैंकलिन। क्लास, क्यों ना हम सब मिलकर बस ढूंढने में बीवर की मदद करें, और फिर हम खोजेंगे कि किसने इसे वापस जगह पर नहीं रखा। हे, मुझे एक मार्बल मिला। मैं अपना प्रेजेंटेशन मार्बल के साथ नहीं कर सकती बेयर, मुझे वही बस चाहिए। देखो बीवर, अब घर जाने का वक्त हो गया है। मुझे यकीन है कल तुम्हें स्कूल बस जरूर मिल जाएगी, तब अपना प्रेजेंटेशन दे देना। जैसा आप कहें। बेचारी बीवर। बेचारा फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, तुमने कहा क्यों नहीं कि तुम बस ले गए हो? कहने ही वाला था बेयर, कसम से, लेकिन अचानक मिस्टर राहुल के सिर में चोट लग गई और बीवर गुस्सा हो गई और मुझे कुछ अजीब सा होने लगा। क्या कहूँ, भूख लगी? नहीं, पेट में कुड़कुड़ होने लगी थी। अरे हाँ, मुझे भी ऐसा होता है जब मुझे डर लगता है। मुझे भी, लेकिन कल मैं बस जरूर वापस ले आऊंगा, याद से। बढ़िया, ये देखो फ्रैंकलिन। वाओ, ये तो कमाल है बेयर। थैंक्स, चलो इसे फिर से जमाते हैं और इस पे बस चलाते हैं। ठीक है। फ्रैंकलिन, खाना खाने आओ। मुझे भी भूख लगी है। तुम्हें तो हमेशा ही भूख लगती रहती है। क्या तुम डिनर के बाद भी कार से खेलना चाहते हो? जरूर, वापस आने तक मैं इस खोखले लॉग में छिपा देता हूँ। बढ़िया आइडिया। खाने के बाद मिलते हैं बेयर। बाय फ्रैंकलिन। कहाँ जाओ, कहाँ जाओ? वाओ, छुपे या नहीं, लो मैं आई। आहा, एक दो तीन। नहीं, देखो मुझे क्या मिला। खोई हुई स्कूल बस। ये यहाँ कैसे पहुँची? मुझे लगता है किसी ने इसे चुरा कर यहाँ पर छिपा दिया होगा। तुम्हें ऐसा लगता है? देखो, और भी कुछ है, जरा मेरी मदद करो। चलो गूस, मैं इस मामले की पूरी खोजबीन करती हूँ। बेयर, मेरी सारी कारें कहाँ गई? तुमने उसे खोखली लॉग में रखी थी फ्रैंकलिन? रखी थी, लेकिन अब सब गायब है, किसी ने उन्हें चुरा लिया है। ओ नहीं, उन सारी कारों को जमा करने में कितने साल लगे ना तुम्हें? और स्कूल बस, वो तो मेरी नहीं थी। क्या तुम्हारे पेट में फिर गड़बड़ शुरू हो गई? ये बताओ, मैं मिस्टर आउल से क्या कहूँगा? सुनो, तुम कह देना कि तुम बिना पूछे बस ले गए और फिर घर पर भूल गए और अब वो मिल नहीं रही। फ्रैंकलिन, मुझे नहीं मालूम तुम्हें क्या कहना चाहिए, लेकिन सोचने के लिए तुम्हारे पास पूरी रात है। तो तुमने सोचा क्या कहोगे मिस्टर आउल से? नहीं, मैं बस इतना सोच पाया कि वो कितना नाराज होंगे, और बीवर भी। फ्रैंकलिन, बेयर, देखो मुझे क्या मिला। स्कूल बस। और मेरी कारें। तुम्हारी कारें? मैं भी यही सोच रही थी कि किसकी होंगी। ये मुझे तालाब के पास लॉक के भीतर से मिली। बीवर, मैं मुझे बाद में थैंक्स कहना फ्रैंकलिन। मैं क्लास शुरू होने से पहले मिस्टर आउल को दिखाना चाहती हूँ। फिक्र मत करो, मैं उस चोर को जरूर ढूंढ लूंगी। चोर? बेयर, कहीं मिस्टर राहुल ये न मान ले कि मैंने स्कूल बस की चोरी की थी। अरे,
अब तो मेरे पेट में भी गड़बड़ होने लगी है। जिसने भी किया उसने फ्रैंकलिन की भी कारें चुराई। देखो बीवर, मुझे यकीन नहीं होता कि हमारी क्लास में से कोई चोरी कर सकता है। किसी ने मेरी कारें नहीं चुराई बीवर, मैंने ही उन्हें लॉक के भीतर रखा था। हाँ, लेकिन स्कूल बस वहाँ किसने रखी? मैंने। फ्रैंकलिन, तुमने स्कूल बस चुराई थी? नहीं, मैंने चुराई नहीं थी, मैं बस ऐसे ही खेलने के लिए ले गया बिना पूछे। तो ये बात है। वो उसे अगले दिन वापस लाने वाला था लेकिन भूल गया। और मैंने सबको इतनी देर तक उसे ढूंढने दिया और फ्रैंकलिन के पेट में बहुत गड़बड़ है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सबको तकलीफ देना नहीं चाहता था। अगली बार बिना पूछे मैं कभी कोई चीज नहीं ले जाऊंगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत बुरा हो सकता है। हमसे सच बोलने का शुक्रिया फ्रैंकलिन। मैं जानता हूँ अपनी गलती सबके सामने मान लेना कितना मुश्किल होता है। क्या अब मैं अपना प्रेजेंटेशन दूँ मिस्टर आउल? बिल्कुल बीवर। सॉरी तुम कल नहीं कर पाई थी बीवर। कोई बात नहीं फ्रैंकलिन, मुझे कल रात कुछ और आइडिया सूझे और मैं सोच रही थी क्या मैं डेमोंस्ट्रेशन के लिए तुम्हारी कुछ कारें ले सकती हूँ। जरूर बीवर, और मुझे खुशी है कि तुमने पूछ लिया। हाँ।